नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदान। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर घर तिरंगा अभियान के तहत सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा के अंतर्गत आने वाले आमिन गांव के नवागत सरपंच सिवेश सिंह चंदेल के मार्गदर्शन पर आमिन गांव में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा, जिसमें गांव के कई युवा और ग्रामीण नागरिक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। आमिन के नव निर्वाचित सरपंच सिवेश सिंह चंदेल विशाल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय व वंदे मातरम के जयकारों से पूरा आमिन गांव गूंज उठा। तिरंगा यात्रा के आयोजन के दौरान ग्राम आमिन से आनंदगढ़ होते हुए बाइक रैली भी निकालकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए गए। रैली में नव निर्वाचित सरपंच सिवेश सिंह चंदेल, विपुल चंदेल, उप सरपंच, पंच एवं गांव के कई युवा शामिल रहे। इसमें संजय केवट, आर्यन सिंह, लल्लू विश्वकर्मा, पवन सिंह, कुलदीप साहू, मकरंद केवट, अमन कुशवाहा, दीपू सेन आदि कई युवा एवं ग्रामीण शामिल रहे। वहीं जब हमने गांव के नव निर्वाचित सरपंच सिवेश सिंह चंदेल से बात की तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वह अपनी सेवा गांव को देंगे और किस प्रकार से गांव के समस्या का निराकरण करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक सरपंच अपने गांव को किस प्रकार से विकसित कर सकता है। जानने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज और अपने गांव से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्याओं के लिए हमसे संपर्क करें। और यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं गाँव के मुखिया सिवेश सिंह चंदेल से कि वो गांव को किस प्रकार से विकसित करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर हम लोगों ने ग्राम पंचायत आमिन में तिरंगा रैली का आयोजन एवं ग्राम पंचायत में हमारे सभी पंच, उप सरपंच एवं सेक्रेटरी महोदय, रोजगार सहायक एवं गांव के सभी युवा हमारे साथी मिलकर इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने का जो प्रयास किया, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में या कि मार्गदर्शन में हमारे पूरे राष्ट्र में आज तिरंगा महोत्सव का जो एक कार्यक्रम चला है 13 तारीख से 15 तारीख तक, इस अभियान में हम सब मिलकर उसी को अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने तिरंगे को मजबूत करने के लिए, याद करने के लिए 75वीं राष्ट्र की जो हमारी आज स्वतंत्रता दिवस की 75वां वर्ष है, इसको मनाने के लिए इकट्ठा हुए एवं तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस तिरंगा रैली से आप गांव को और समाज को और अपने देश को क्या संदेश देना? यही संदेश है कि हमारा गांव कम से कम ये उन वीर महापुरुषों की कुर्बानी को याद रखे कि जिन्होंने बलिदान देके आज हमें यह मौका दिया है कि हम अपने घर घर पे तिरंगा लगा सके। नहीं, एक स्थित और समय था कि जब हम गुलाम थे तब झंडा लगाने की क्या बात कहें आप, वंदे मातरम या जय हिंद तक हम लोग नहीं बोल सकते थे। यही हमारा सबसे वो है कि कम से कम जो हमारे पूर्वजों ने आपस में लड़के झगड़ के, राजा महाराजाएं आपस में लड़के झगड़ के विदेशी आक्रमकता और अंग्रेज हमारे देश में राज के, आज वह स्थिति ना तैयार हो जाए। हम सब हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग, छोटे बड़े गरीब सब मिलकर साथ चले और अपने देश को आगे बढ़ाए। जैसा कि अभी हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो हमें पता चला कि आप इस गांव में पहली बार सरपंच पद में निर्वाचित हुए हैं, तो आपका आने वाले समय में कैसा कार्यभार रहेगा इस गांव में? यह हम चाहेंगे कि हमारे गांव में, हमारे गांव का हर गरीब जो शासन की योजनाएं हैं उनको बिना रुके हुए, बिना उनको परेशान हुए और जो उनको शासन की योजनाएं हैं पूर्णतः उनका लाभ मिले और गरीब जो हमारे अमरपाटन या सतना जिला जनपद नहीं जा सकते हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए। और 15 दिन में एक विशेष मैं बनाऊंगा, अभी हमारा कार्यभार हो चुका है, कुछ कार्य बाकी हैं, जैसे पूर्ण होते हैं कि 15 दिन में हर गांव का हर व्यक्ति से मिल के घर घर जाके पंचों से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने पंच जो अपने वार्ड की समस्याएं लेके आएं और जो उनकी समस्याएं हैं जैसे मूलभूत समस्याएं गांव में ज़्यादा से ज़्यादा क्या, राशन कार्ड, खाद्यान्न पर्ची, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं गाँव में रोड नालियाँ, पंप जो
गड़बड़ है उनको सुधार करना और सबको शासन का सही तरीके से जो शासन की कार्य प्रणाली है उसमें सबको लाना। बात करें समस्याओं की, तो समस्याएं तो गांव में लगातार चलती रहती हैं, लेकिन आप सबसे पहले किस समस्या का निदान करना चाहेंगे? हमारे गांव में पहले सबसे मेन समस्या हमको जहाँ तक लगती है तो गरीबी है, लेकिन गरीबी उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे हम गांव को अपने मानते हैं। आर्थिक स्थिति से हमारा गांव दूसरे गांव की अपेक्षा कहीं हद तक अच्छा है, लेकिन हमारे गांव में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। इस तरह से दूर करना, हम गांव में जो सरकारी स्कूल हैं उसमें शिक्षक टाइम से आए और शिक्षक जो कुशल शिक्षक हो, जैसे शिक्षक हमारे गांव में जैसे हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन कुछ शिक्षक हैं जो तो आपका मतलब सबसे पहला जो काम होगा गांव के ऊपर तो वो सबसे पहला शिक्षा पे होगा, उसके बाद क्या? शिक्षा है, फिर हमारे गांव में मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे गरीब परेशान है कि उसका किसी का राशन कार्ड पे नाम नहीं है, अब ब्लॉक स्तर पे उसको रोक दिया जाता है, जिला स्तर पे रोक दिया जाता है, ग्राम रोजगार सहायक जी द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा तो यहाँ से भेज दिया जाता है। अब इसकी हम मॉनिटरिंग करेंगे कि यहाँ से गड़बड़ी है कि जनपद से गड़बड़ी है कि जिला से गड़बड़ी है। तो जो खाद्यान्न है, प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहे हैं, बहुत लोग पैसा पा चुके हैं लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना उनका पूर्ण नहीं हो रहा है। इसके पहले भूतपूर्व जो आपके गांव के सरपंच थे उनका कार्यकाल के विषय में कुछ बताइए, कैसा था उनका कार्यकाल और क्या विकास हुआ और क्या उस पर जो विकास नहीं हुआ उस पर आप कैसे काम करें? अब उनका कह पाना, किसी को बुरा कहना मैं अच्छा नहीं, कार्यकाल के बारे में तो बात कर सकते। कार्यकाल मुझे उनका अपनी दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण छोड़ दिया जाए तो कार्यकाल हमको व्यक्तिगत नहीं पसंद था, ना गांव का विकास हो सका, ना समाज का विकास उन्होंने किया, और ना हम कह सकते हैं, अगर ना कहे खुद का भी विकास उन्होंने नहीं किया। तो आप इन सब चीजों पे काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर गांव में हमको जैसे कोई आपको बताना चाहेंगे कि हमको गांव की जनता ने 1500 वोट पड़ी 1600, जिसमें 100 के लगभग रिजेक्ट हुई, 1500 वोट में लगभग एक तरफा 1000 वोट हमको मिली, 7 कैंडिडेटों में मिला दिया जाए तो 500-550 वोट होती। आप पहली बार सरपंच जी का चुनाव लड़े? बिल्कुल बिल्कुल पहली बार। और अपने गांव के बारे में क्या कहना है? हम गांव का यही कि सब मिलजुल के, हमारे गरीब छोटे बड़े हर वर्ग के लोग भाईचारे की तरह रहें, ना किसी से बड़ा होने के नाते कोई अभद्रता करे कि हम बड़े हैं तो किसी के ऊपर अपना पावर दिखाएं, सब मिलजुल के स्वास्थ्य शिक्षा विकास भाईचारे की भावना से रहें और गांव को हम इतना आगे बढ़ा दें कि हमारे गांव के बारे में जब बात हो तो लोग कहें कि आमिन गांव एक शिक्षित सभ्य सुशासित गांव है। शासन प्रशासन के बारे में आपकी क्या राय? शासन तो वर्तमान की स्थिति में पंगु है, ऊपरी आदेश चलते हैं, बहुत चीजें हुई कि जैसे अभी चलिए आने वाले समय में ऐसी कौन सी योजनाएं आप लाने वाले हैं गांव के लिए जो गांव के लोगों को लाभान्वित? गांव के लिए हम पहले आपको बता चुके हैं कि स्वास्थ्य को शिक्षा में सुधार लाना, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार लाना कि हमारे गांव में स्वास्थ्य की समस्या आ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है हम कहने को मजबूर हो जाते हैं कि हमारा मकुंदपुर लगता है, लेकिन अधिकतर हमारा गांव का जो स्वास्थ्य के लिए है गोविंदगढ़ से निर्मित है, हम लोग हैं गोविंदगढ़ स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से, तो वहाँ कोशिश करेंगे, संपर्क करेंगे कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों से अच्छे संबंध हो, मरीज जाए तो उनको तत्परता से देखा जाए और उनका अगर रेफर करने लायक हो तभी रेफर किया जाए, अन्यथा गरीब हैं इनको रेफर कर दिया जाता है, ये पैसे के लिए परेशान होते हैं, रीवा जाके जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते कौन डॉक्टर सही है, किस मर्ज का कौन डॉक्टर है, इसलिए उसमें सुधार किया जाएगा डॉक्टरों से कंसल्ट करके कि उनको स्वास्थ्य सुविधा उचित गोविंदगढ़ में या कि रेफर करने की स्थिति जब हो तभी उन्हें रेफर भेजा जाए, और जो हमारे तरफ से व्यक्तिगत सहूलियतें हैं वो हम कुछ देने के लिए